अक्सर होता है, बाय द वे ऐसा अक्सर होता है कि जब आप कुछ गाने पुराने आपने गाए हो और दोबारा रिक्वेस्ट हो जाए तब आपकी फट जाती है, तब आपकी फट जाती है। ओके तो गाइस, हेलो गाइस, तो आप सब लोग जैसे देख सकते हैं हम पीछे शोर आपको आ रहा होगा क्योंकि हम अभी आए हैं एक जगह पे, जगह का नाम है ऑटोमान लॉन शायद, हाँ। और अभी यहाँ पर होगा कॉन्सर्ट, आई एम अ बैक आज कॉन्सर्ट है, तो हम आए हुए यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है, क्या करेंगे देखते हैं। What's up Hyderabad? हाँ जी, तो रेडी है कुछ नाचने के लिए सब? हो जाए फिर बाजी। Here we go with our first track called Bazi, everybody. और मुझे सब यहाँ पे क्योंकि सारे youngsters हैं, I can see. तो यहाँ पे खुल के नाचना चाहिए और होगा यहाँ पे. Here we go with Bazi, everybody. I had the chance to sing this song called Mast Malang. So I was like, this is meant for me. So this song is to all the Malangis out there. Because I consider myself a Malangi too. So here we go with Mast Malang, everybody. लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। थैंक यू सो मच, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द जंबल बिकॉज ने काफी अच्छा गाया बाय द वे, मेरा नहीं था लेकिन उसके लिए माइनस होंगे पॉइंट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाया। अच्छा मेरा गाना आता है तो फिर मैं गवाऊंगी, मेरा कौन सा गाना आता है? जा तुझे माफ किया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रिकी शाह। ओके, क्या सुनाएंगे आप मुझे? जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले प्यार की प्यार की रा।
guys. So, अब मुझे सबने इतना एक गाना चला दिया मुंह पे कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी दो लाइनें गा दूँ इसे. मुझको छोड़ने वाले प्यार की राह मुझको छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले. थैंक यू सो मच. क्योंकि बाकी सबने इतना गा लिया कि मैंने कहा भाई तीसरी दफा गाना होगा. बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप ऑन द स्टेज फॉर ऑल दोस कंटेस्टेंट्स जो ऊपर आए हैं. बड़ी हिम्मत चाहिए होती है यहाँ पे आने के लिए भी. बट आप लोग इतने फ्रेंडली हैं सारे कि लग नहीं रहा. थोड़ा सा मैं आपके लिए गला बादल गा देती हूँ. गाना नहीं गाया तो मुझे याद नहीं है. ऐसा अक्सर होता है. बाय द वे ऐसा अक्सर होता है कि जब आप कुछ गाने पुराने आपने गाए हुए हो और दोबारा रिक्वेस्ट हो जाए तब आपकी फट जाती है. आप कहते हो शिट मुझे गाना याद ही नहीं है. और आप बोलो एक ही एज के लग रहे हैं तो मुझे कुछ लोग अपने सेल्फी ले सकूंगी और क्योंकि जब सारे हाथ आएंगे तो सॉरी लेकिन अगर हम तमीज से करें तो हो सकता है. इधर से स्टार्ट करते हैं फिर इधर आऊंगी. ठीक है कॉन्सर्ट खत्म हो गया है तो अभी पिकअप हो रहा है तो अभी हमें ना अपना ये व्लॉग खत्म करें. आपने हालात तो देख ही लिए होंगे. हमें बिल्कुल ये मुझे बात बताएं यार कॉन्सर्ट के आखिर में ये क्यों होता है भाई साहब क्यों करते हैं मतलब जो लोग यार ये ना करें मतलब वो माहौल खराब हो जाता है बंदे अच्छा नहीं फील करते. तो अभी हम इसको व्लॉग को इख्तिताम नहीं कर रहे अभी आगे स्टॉल्स वगैरह दिखा रहे हैं. हाँ वो तो दिखा देंगे पर अभी यहीं तक इसको इख्तिताम करते हैं. और आपको कुछ कहना हो तो कह दें. हम बस अल्लाह हाफिज़. इसका हम व्लॉग इख्तिताम कर रहे हैं और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना
अगर नहीं लगे तो दोबारा देखना, अच्छी लग जाएगी। फिर लाइक कर देना। तो इसी के साथ सब्सक्राइब करना और घंटा तो जरूर दबाना हैवी व्लॉग्स का। और कुछ? बाय।